हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडू केयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 एसोप्स वेबल्स के आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स देने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडू केयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड, और हमारे दूसरे चैनल अब्दुल एंड रुबीना चैलेंज को भी सब्सक्राइब कीजिए, उधर हम आपके लिए चैलेंजिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो प्लीज, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ए है हमारा, नेम द पर्सन हु फर्स्ट टोल्ड दिस फेबल्स। इसका आंसर है एसोप्स। तो फ्रेंड्स, बी है हमारा, व्हाट डिड द स्टेग लाइक अबाउट हिमसेल्फ और व्हाई। इसका आंसर है, द स्टेग लाइक्ड हिज ब्यूटीफुल कर्विंग एंटलर्स, ही फाउंड दैट दे लुक्ड ग्रेसफुल एंड एडेड टू हिज ब्यूटी। सी हमारा, व्हाट वाज द स्टेग अनहैप्पी विद, व्हाई। इसका आंसर है, द स्टेग वाज अनहैप्पी विद हिज लेग्स, ही फाउंड देम अगली एंड स्पिंडली विद स्मॉल फीट। डी है फ्रेंड्स हमारा, व्हाट डिड द डॉग डू व्हेन द ऑक्स वेंट नियर द मैंजर। इसका आंसर है, व्हेन द ऑक्स वेंट नियर द मैंजर द डॉग स्नार्ल्ड बार्क्ड एंड स्नैप्ड एट इट, ही वुड नॉट अलाउ द ऑक्स टू ईट द हे। तो फ्रेंड्स, अभी ई है हमारा, राइट द मैसेज ऑफ ईच ऑफ दिस टू स्टोरीज। तो मैसेज लिखना आपको, फर्स्ट स्टोरी था हमारा द स्टेग एट द पूल, इसका मैसेज है वी शुड नॉट डिसलाइक थिंग्स दैट डोंट लुक प्रीटी बिकॉज दे आर ऑफन मोर यूजफुल टू अस। तो फ्रेंड्स, सेकेंड स्टोरी थी हमारी द डॉग इन द मैंजर, इसका है वी शुड नॉट बिग्रुज अदर्स व्हाट वी डोंट एंजॉय आवरसेल्फ। सेकेंड हमारा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, रीड अलाउड द फॉलोइंग स्पीचेस फ्रॉम द लेसन्स। तो ये आपको सिर्फ पढ़ना है, अगर आप एग्जाम के लिए इसे याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। ए है, व्हाट द स्टेक सेड व्हेन ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन। इसका आंसर है, हाउ हैंडसम आई लुक, हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कर्विंग एंटलर्स, हाउ दे एडेड माय ब्यूटी, हाउ ग्रेसफुल दे लुक आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग्स, ही सेड लुक एट माय लेग्स, ओह दे आर सो अगली, ऑल स्पिंडली विद स्मॉल फीट, हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्दी ऑफ माय Stately antlers। तो फ्रेंड्स, बी है, व्हाट द स्टेक सेड एट द एंड। इसका आंसर है, आई रियलाइज नाउ दैट माय अगली फीट सेव माय लाइफ, आई वाज सो प्राउड ऑफ दिस हैंडसम एंटलर्स बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माय डेथ, वेरी ऑफन वी डिसलाइक थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस। तो फ्रेंड्स, जो सी वाला है वो है हमारा, व्हाट द ऑक्स सेड टू द डॉग इन द मैंजर। इसका आंसर है, डॉग इफ यू वॉन्टेड टू शेयर माई डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड इट बट यू आइदर ईट द हे नॉर अलाउ मी टू इंजॉय इट, इट इज ऑफ नो यूज टू यू, देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड, डोंट बिग्रुज अदर्स वॉट यू डोंट इंजॉय योर सेल्फ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो बड़े वर्ड्स दिए गए हैं, उनके अंदर के छोटे वर्ड्स आपको फाइंड करने हैं फ्रेंड्स। जैसे कि एक बड़ा वर्ड है फर्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के अंदर 2 वर्ड है, 1 फिट लेफ्ट, सेकेंड है डिलाइटेड, डिलाइटेड के अंदर कौन से वर्ड्स बनेंगे, गेट लाइट हाइड हाइट। 3 हमारा ग्रेसफुल, इसके अंदर GEL RACE रेस। 4 है हमारा हंटर के अंदर बन जाएगा हेन RUN रन TEN TURN टर्न। तो फ्रेंड्स, 5th वर्ड जो दिया गया वो है टिकेट के अंदर आएगा टिकेट, HIT हीट HIKE हाइक। 6th है ग्रोथ के अंदर 2 वर्ड बन जाएगा, ड्रो बन जाएगा, ग्रो बन जाएगा, थ्रो बन जाएगा। और 7 है डिसलाइक के अंदर डाई बन जाएगा, लाई बन जाएगा, लिड बन जाएगा, लाइक बन जाएगा। 8 है हमारा आफ्टरनून के अंदर नेट बन जाएगा, फैट फूट आफ्टर। 9 है हमारा फर्मली के अंदर
फिल्म भी बन जाएगा, फर्म भी बन जाएगा। 10 है हमारा अपसेट, अपसेट के अंदर सेट भी बन जाएगा, अप भी बन जाएगा, पेट भी बन जाएगा, पुट भी बन जाएगा, ये सारे वर्ड्स बनेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड सिनोनिम्स फॉर डिलाइटेड का मतलब है हैप्पी, सेकेंड है ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स है प्रीटी, थर्ड का है डिस्गस्टेड, इसका वर्ड है हॉरिफाइड, और बाउंडेड का मतलब जम्प्ड। तो फ्रेंड्स फिफ्थ है हमारा, द स्टेग शो हिज रिफ्लेक्शन इन वॉटर, नेम एट लीस्ट 3 थिंग्स इन विच वन मे सी हिज रिफ्लेक्शन, नेम 3 थिंग्स दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग। तो देखो स्टेग ने अपना रिफ्लेक्शन यानी कि अपनी परछाई पानी में देखी, आपको ऐसे 3 चीज बताने जिसमें आप अपनी परछाई देख सकते हो, और आपको ऐसे भी 3 चीज बताने जिसमें परछाई आप देख ही नहीं सकते। ओके तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 3 थिंग्स इन विच वन मे सी अ रिफ्लेक्शन, 3 थिंग्स में हम रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, वो रिफ्लेक्शन यानी कि परछाई देख सकते हैं, वो है मिरर, आईने में परछाई देख सकते हैं, वाटर में परछाई देख सकते हैं, और स्टील की प्लेट में भी हम परछाई देख सकते हैं, और 3 थिंग्स दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग, तो जिसमें हम परछाई देख ही नहीं सकते और कुछ भी चीज रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो है वुड, लेदर, क्लोथ्स, पेपर। लकड़ी के अंदर भी कुछ नहीं दिखाई देगा, परछाई नहीं दिखाई देगी, लेदर के अंदर भी कुछ परछाई नहीं दिखाई देगी, क्लोथ्स यानी कि कपड़े के अंदर भी परछाई नहीं दिखाई देगी, और पेपर के अंदर भी। ओके तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड एंड राइट नेम्स ऑफ 10 कंट्रीज, 10 कंट्रीज के आपको नाम बताने हैं, फर्स्ट है इंडिया, सेकेंड है लंडन, थर्ड है रशिया, फोर्थ है अमेरिका, फिफ्थ है चाइना, सिक्स है अफ्रीका, 7 है जापान, 8 है ब्राजील, 9 है श्रीलंका, 10 है ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर मेक कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड प्रोवर्ब्स दैट मेंशन बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो आपकी टीचर की हेल्प से आपको आइटम्स और प्रोवर्ब्स आपको कलेक्ट करने हैं जिसमें बर्ड्स का और एनिमल्स का जिक्र है। एग्जाम्पल के लिए, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बार्किंग डॉग सेल्डम्स बाइट, ये सारे स्टोरीज के नाम है, प्रोवर्ब्स के नाम से, प्रोवर्ब की हेडिंग है फ्रेंड्स, टाइटल है, जो जिनमें एनिमल्स और बर्ड्स का मीन्स यूज किया गया है, उनमें एनिमल्स और बर्ड्स शामिल है। तो अभी देख लेते हैं हम एनिमल्स कि प्रोवर्ब्स और आइटम्स कौन से, दो दिए गए एग्जांपल एनिमल्स के, द एलिफेंट इन द रूम और दैट्स रियली माय गोट, ये सारे स्टोरीज के नाम है। दो बर्ड, बर्ड्स में किसका जिक्र हुआ है, कौन सी स्टोरीज में बर्ड्स रिलेटेड है, फर्स्ट है वाइल्ड गूस चेस, सेकेंड है वॉच समथिंग लाइक अ हॉक। तो फ्रेंड्स ये वाले जो चैप्टर थे मैंने उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको दे दिए हैं, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेयर।